हाय, वेलकम टू बॉलीवुड राउंडअप विद नैना ओबेरॉय। मैं एक बारी फिर लेकर आई हूँ आपके लिए तड़कती और भड़कती खबरें। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। द स्काई इज पिंक रिलीज हो चुकी है और ये बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। इसने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ का बिजनेस किया है जबकि बजट 30 करोड़ का था, सो इट वॉज डिक्लेयर्ड एज फ्लॉप। इस मूवी में प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी कही गई है। फरहान अख्तर के एफर्ट्स भी किसी से कम नहीं है। एकदम सुपर्ब एक्टिंग है सारे के सारे एक्टर्स की। कमी है तो एक प्लॉट की, स्टोरी लाइन की। स्टोरी लाइन भी कुछ हद तक अच्छी है लेकिन फिल्म काफ़ी ज़्यादा स्लो और प्रेडिक्टेबल है, तो ये मूवी दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं कर पाई। सलमान खान की मच अवेटेड मूवी दबंग 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसके ट्रेलर पर 25 मिलियन से ऊपर व्यूज आ चुके हैं दो ही दिनों में और सलमान खान की इस मूवी के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं और लोग इसके बारे में मीम्स बना रहे हैं और ये ज़्यादा ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। दबंग 1 में मुन्नी बदनाम हुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। दबंग 2 में फेविकॉल काफ़ी ज़्यादा हिट था। अब वेट है दबंग 3 के आइटम सॉन्ग का। द फिल्म इज सेट टू रिलीज ऑन करण जौहर की ड्राइव नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है ऑन 1st of November। इसका ट्रेलर आ चुका है और ये मूवी 4 चोरों के बारे में है, कैसे वो गोल्ड चुराते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस से इंस्पायर्ड लग रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों से रिलेटेड इसके अंदर एक्शंस हैं और ये मूवी काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। करण जौहर, जैकलिन फर्नांडिस एंड सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर।
अब बात करते हैं अपकमिंग मूवीज के बारे में। दर्शक काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे हाउसफुल 4 का, वो आज रिलीज हो चुकी है। हाउसफुल 4 जितनी ज्यादा लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी कि फनी होगी, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेगी, एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट के साथ आएगी, उतनी ज़्यादा अच्छी ये है नहीं। लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा डल और बोरिंग लग रही है, लोग मूवी के बीच में से उठकर जा रहे हैं, ये दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए। लेकिन लोग कह रहे हैं अक्षय कुमार के टाइमिंग्स, उनकी जोक के टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। खाली अक्षय कुमार ही हैं इस मूवी में जो थोड़ा बहुत कमाल करके दिखा पा रहे हैं, बाकी ये मूवी बिल्कुल 30 मार खान जैसी है, किसी को भी पसंद नहीं आती। मुझे लगता है कि सभी लोग मेहनत करते हैं और बहुत लक मायने रखता है, क्योंकि यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। और लाइक अक्षय सर इज एब्सोल्युटली राइट कि लक मायने रखता है, और कभी कभी कोई फिल्म चल जाती है, कभी कभी नहीं चल जाती, एंड हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। इफ यू डोंट गिव योर 100% इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज नो पॉइंट क्रिबिंग अबाउट योर लक। अगर आप वो 100% देते हो एंड देन योर लक डजंट वर्क, इट इज यू कैन लाई बैक एंड रिलैक्स एंड सी मैंने अपना 100% दिया, फिर नहीं चला तो नहीं चला। बट या एवरीबॉडी कम्स विद देयर ओन डेस्टिनी एंड ओन लक। हाउसफुल 4 के साथ साथ एक और मूवी रिलीज हुई थी, तापसी और भूमि की। इस मूवी का नाम था सांड की आंख। इस मूवी में ये दोनों शार्प शूटर्स का रोल कर रहे हैं एंड दोनों 60 ईयर्स के दिखाए गए हैं। इन दोनों के एफर्ट्स और इनकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक फेमिनिस्ट मूवी है। ये रियल स्टोरी है चांद्रो और प्रकाशी की, कि वो कैसे शार्प शूटर्स थी और सिस्टर इन लॉज होने के बावजूद उन्होंने अपने लिए आवाज़ उठाई, अपने लिए स्टैंड लिया। एंड ये मूवी देखने लायक है। हाउसफुल 4 के साथ रिलीज हुई ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल तो नहीं करके दिखा रही, बट ये वर्थ अ वॉच है। हाउसफुल 4 और सांड की आंख के साथ साथ एक और मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है मेड इन चाइना। इस मूवी में राजकुमार राव एंड मोनी रॉय हैं। ये मूवी जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी कि हिट होगी और बहुत ज़्यादा कमाल करेगी, ऑडियंस को इम्प्रेस करेगी, उतना ज़्यादा तो नहीं कर पाई। इसका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल आया है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर द वीक।
फिर बात करते हैं लाल कप्तान की। ये मूवी अपने ट्रेलर से जितनी ज़्यादा अच्छी और इम्प्रेसिव लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था इसका प्लॉट, उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं। सैफ अली खान की ये मूवी दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं कर पाई। ये मूवी ने खाली 2 करोड़ का बिजनेस की है जबकि बजट था 20 करोड़ का। दबंग 3 के साथ साथ पागल पंती का भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस मूवी में हमें जॉन इब्राहिम, अनिल कपूर, पुलकित सम्राट और अरशद वारसी देखने को मिलेंगे। ये मूवी अनीस बाजमी ने डायरेक्ट की है, जिन्होंने पहले वेलकम, वेलकम बैक और सिंग इज किंग भी डायरेक्ट की थी। इस मूवी में हमें इलियाना डी क्रूज, उर्वशी रौतेला एंड कृति खरबंदा भी देखने को मिलेंगी। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। इसका ट्रेलर देखते ही लोगों को हंसी आ रही है एंड इसके ट्रेलर पर 21 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। बात करते हैं बॉर की। ये मूवी 3 हफ्ते पहले ही रिलीज हो चुकी है। टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन और वानी की ये मूवी अभी तक दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा खुश कर रही है। लोग ये फिल्म बार बार देखने जा रहे हैं, उनको इनकी केमिस्ट्री, इनका ड्रामा, इनका एक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मूवी अभी तक 290 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है जबकि इसका बजट 200 करोड़ का था। ये मूवी 10th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म हो चुकी है अभी तक की, जिसने उरी एंड कबीर सिंह जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। आई डोंट नो मैं इसे गुड न्यूज़ बोलूँ या बैड न्यूज़, पर भूल भुलैया 2 रिलीज होने वाली है 31 जुलाई में। सैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ दोनों यही है कि उस मूवी में अक्षय कुमार को रिप्लेस किया है कार्तिक आर्यन ने। लेट्स सी कार्तिक आर्यन इस मूवी में कैसा किरदार निभाते हैं और वो अपने सेट मार्जिन्स पर खड़े उतरते हैं या नहीं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन फिर से अक्षय कुमार को रिप्लेस करने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है।
दीपिका पादुकोण की छपक मूवी रिलीज होने वाली है जनवरी 2020 में। इस मूवी में वो एसिड अटैक विक्टिम का रोल निभा रही हैं और उसके साथ साथ ये उनकी पहली मूवी है जो उन्होंने प्रोड्यूस की है। और अब उनकी जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है जिसमें वो प्रोड्यूसर भी है और एक्ट्रेस भी है, वो है महाभारत, जिसमें वो एक द्रौपदी का रोल निभा रही है। इस मूवी में वो द्रौपदी के साइड की स्टोरी दिखाएंगे एंड ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हिंदुस्तानियों को काफी ज्यादा पसंद आएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली आ चुकी है और इंडिया में दिवाली के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, इसीलिए दिया मिर्जा काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हैं कि लोग ग्रीन क्रैकर्स खरीदें और ग्रीन क्रैकर्स ही बर्स्ट करें ताकि हमारे इंडिया में प्रदूषण ज़्यादा ना फैले। वो कहती हैं कि वो काफ़ी सालों से कैंसर पेशेंट्स के साथ मिलकर दिवाली की आइटम्स बांटती है लोगों को, जिससे कैंसर के विक्टिम्स को भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। So she motivates all of us to celebrate Diwali with green crackers. क्या प्लान्स हैं दिवाली के इस बार? जैसे हर साल होते हैं दिवाली के टाइम हम दिल को साफ करते हैं। किस तरीके का फैशन आप करना पसंद करती हैं दिवाली के फैशन? वेल ऑनेस्टली क्योंकि दिवाली के टाइम पे एक गिफ्टिंग की ट्रेडिशन रहती है, लोग सामान लोगों को तक पहुंचाते हैं, चीज़ें बांटते हैं और उसमें बेहद खुशी महसूस होती है। मेरी कोशिश यही रही है कि पिछले 15 सालों में मैं कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन के साथ मिलकर दिए बांटती हूँ, तो उन दियों के जो प्रोसीड्स होते हैं वो कैंसर केयर के लिए जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कोई ऐसा तोहफा लोगों तक पहुँचाना जिसमें एक अच्छी बात भी हो उससे जुड़ी हुई। मेरी उम्मीद यही है कि अब जितनी हम सबकी समझ बढ़ रही है, लोग एक ऐसी दिवाली मनाएंगे जिसमें ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल होगा और प्रदूषण से लोग अपने आप को अपने बच्चों को बचाएंगे। मेरी ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी ज़िंदगी में रोशनी फैल जाए। वॉग वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 आ चुका है और इसके अंदर हमें रणवीर सिंह और कैटरीना कैफ का एक नया लुक देखने को मिला। दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड हैंडसम इन रेड।
ऑफ बॉलीवुड जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और काफ़ी ज़्यादा लोग इनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की। लोगों के र्यूमर्स हैं या ये सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इन लोगों के शादी के कार्ड्स वायरल हो रहे हैं। नाउ वी डोंट नो कि वो दोनों नेक्स्ट ईयर शादी करने वाले हैं या नहीं, बट ऑडियंस तो यही चाहती है कि ये लोग शादी कर ले। बिग बॉस 13 का वो टाइम आ चुका है जब लोग अपना आपा खो देते हैं। जैसे कि हमने देखा पिछले हफ्ते कि घर में ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इस बार तो हद ही होगी। घर वाले आपस में लड़ने झगड़ने के अलावा हाथपाई पर भी आ चुके हैं। शहनाज और शेफाली की हाथपाई हुई और साथ ही साथ सिद्धार्थ शुक्ला और माहिरा की भी हाथपाई हुई। हाथापाई से मेरा मतलब मारना नहीं है, लेकिन धक्का मुक्की भी हुई है। ये वाला स्टेज हम नॉर्मली एंड पे देखते हैं, बट बिग बॉस तो अभी अभी शुरू हुआ है और अभी से ये हाल है। इंतजार है वीकेंड के वार का। देखते हैं सलमान खान जी कितना इन लोगों को डांटते हैं और कितना ये अपने आप को कंट्रोल करके अपना स्टैंड लेते हैं। बॉलीवुड यानी कि रवीना टंडन इज टर्निंग 45 ऑन 26th ऑफ अक्टूबर। उन्होंने बॉलीवुड को काफ़ी ज़्यादा हिट मूवीज दी है, उन्होंने अबव 70 फिल्म्स करी है एंड उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे अवार्ड्स और एक नेशनल अवार्ड भी मिला है। उनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है गोविंदा के साथ, जिनके साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी मूवी की है। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बॉलीवुड के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा है। वी विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। A very happy Diwali from all of us to you. Have a safe and prosperous Diwali. And thank you for watching this show. See you next week.